एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, वैष्णव की तीन निष्ठाएं होती हैं। यदि आप वैष्णव हो तो ये तीन निष्ठाएं आपके जीवन में होनी अति अनिवार्य है। पहली, नाम निष्ठा। नाम नित्य जपा करो, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक दिन अपराध बताया था ना, अगर आप नाम जप से अधिक किसी अन्य क्रिया को मानेंगे तो ये अपराध है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नित्य नाम जप जरूर किया करो। ठाकुर जी का सुबह करो, रात्रि में करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। मंत्र का विधान है कि वो एक जगह बैठ के करना चाहिए, पर नाम तो आप अनवरत कभी भी कहीं भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप, ये पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा, तुलसी। या तो आपके कंठ में तुलसी हो या आपके अंग के कहीं भी, वैसे तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गले को ही माना, कंठ में तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। ये दूसरी वैष्णव की निष्ठा है। कंठी जरूर पहनो गले में, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, दूषित नहीं खा सकते आप कुछ भी। या तो ये प्रण ले लेना कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कहीं और यदा कदा कभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कंठी उतार देना, मत पहनना। उसको पहनो तो फिर पूर्णता से ये बात निश्चित कर लेना, कंठ में जो जाए वो शुद्ध ही जाना चाहिए। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की, एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया। परंतु 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध ज्यादा हो गए हों या बहुत छोटे बालक हों और अत्यंत रोगी व्यक्ति यदि घर में है तो उनको व्रत ना करें तो चलेगा। परंतु आप बढ़िया हो, मुस्टुंडे बने हुए हो, बढ़िया हत्ते टगड़े हो, खा पी के खूब आनंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आपने जितने अपने पूर्व के पापों को गंगा स्नान से, तीर्थ यात्राओं से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। समझ में आई बात? कोई नवीन पाप नहीं लगेगा, पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया येन केन प्रायश्चित्तों से, परंतु एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वो पुनर्जागृत हो सकते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गई है, यहां पंडाल में जितने बैठे लोग हैं सबको पता चल, अब तो आपको करना पड़ेगा, अब आप पे कोई और चारा नहीं है। पर बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं, उनके घर वाले उनको जबरदस्ती खिलाते हैं, उनके घर वाले जबरदस्ती प्याज लहसुन बनाते हैं, क्या करें भाई? देखो, मैंने फिर वही बात कहूंगा, नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता है। एकादशी दिन वाले दिन ऐसा नाटक करें, हम डाइट पे हैं, आज हम केवल फल खाएंगे सुबह से शाम, हमको डॉक्टर ने कहा है, एकादशी के रूप में नहीं सही, डाइट के रूप में सही, फल खा लो लेकिन एकादशी व्रत करो। एक बड़ी सुंदर कथा मैं कभी कभी सुनाता हूँ, श्री नामदेव जी महाराज, वो एकादशी व्रत के इतने बड़े निष्ठावान थे, वो खुद तो करते ही थे, उनको यदि पता चल जाए कि किसी के घर में रोटी बन रही है तो उसके घर पहुंच जाते थे, चूल्हे में जाके पानी फेंक आते थे, बोले रोटी नहीं बनेगी आज, आज एकादशी है। अरे तो तुम अपने घर में करो, हमको क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं, अगर मुझे पता चल जाएगा कि कोई रोटी खा रहा है तो मैं उसको खाने नहीं दूंगा, आज एकादशी, आज आज व्रत करो। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए, और भूख से व्याकुल ब्राह्मण, वयो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए, और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिर पड़े जैसे भूखा प्यासा आदमी। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे 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 संत पधारे, संत पधारे, पैर धो इनके, पैर धो, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, माला पहनाओ। ठाकुर जी बोले, अरे भैया ये सब मत करो। बोले क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों? बोले भूख लगी है, 4 दिन से कुछ पाया नहीं है मैंने, जल्दी मुझे रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खिलाओ। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, लीजिए सेब खाइए,
केला खाइए, अमरूद खाइए, सब बढ़िया सुंदर सुंदर फल पाइए, भगवान रोटी तो नहीं मिलेगी आज। अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारे द्वार पर भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया, तुम उसको रोक रहे हो, नहीं चाहिए फल वल नहीं खाने मुझे, भाई रोटी की भूख लगी है, दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले दाल चावल तो नहीं बनेंगे, अब एकादशी है आज। अरे तुम्हारे सामने वयोवृद्ध आदमी बेचारा, चार दिन का भूखा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, कहीं मैं मर गया तो भूख के कारण। नामदेव जी बोले अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकल जाएंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे आप, ठाकुर जी द्वार खोलेंगे आपका, पर आज आप अन्न नहीं खा सकते। अब तुम्हारा आज बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग आ गए, वो सब आकर के संत का हाथ पकड़े, बोले ये तो पाखंडी है, खुद भी व्रत करेगा, जबरदस्ती सब पे थोप के व्रत करवाता है, आप हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, वहां रोटी सब्जी दाल चावल खा लेना। नामदेव जी ने चरण पकड़ लिए संत के, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मेरे यहां आए हो यहीं रहोगे। ठाकुर जी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि महाराज करते करते नाटक गिर पड़े और अपना पूरा शरीर कांप कपाने लगे, बोले अगर मुझे दो चार मिनट में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब आसपास के लोग कहने लगे अरे नामदेव, अरे तो तुम्हारी एकादशी तुम करो ना, इनसे क्यों करवा रहे। बोले नहीं नहीं आप इनको एक, अरे बच्चों सब बैठ जाओ, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन गाते गाते इनके प्राण निकल जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे सीधे। ठाकुर जी देख रहे वो बारे नामदेव अंत तो गत्वा। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि जिस ब्राह्मण शरीर में गए थे उसके प्राण निकल ही गए, और जैसे ही प्राण निकले आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नामदेव जी को भला बुरा कहने लगे, अरे तेरी भक्ति पर कलंक लग गया, तेरे द्वार पर आकर के एक संत मर गया, भूखा प्यासा बेचारा बिलबिला रहा था, दूसरों पर थोपता है अधिकार, अरे जा निकल जा हमारे गांव से, ऐसी भक्ति का क्या फायदा। नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, अपनी पत्नी से बच्चों से बोले हमारी वजह से इनके प्राण चले गए, पर दोष तो लग ही गया हमको, लेकिन हमने तो ठाकुर जी के नियम की रक्षा की है, कोई बात नहीं, अब अपने घर में ही आंगन में इनकी चिता लगाओ, उसमें इनको बैठाओ, और हम बच्चों सहित दोनों पति पत्नी भी इनके साथ अपने प्राण का त्याग करेंगे, हमारी वजह से हुआ। महाराज चिता लगाई, चिता पर उस ब्राह्मण के शव को रख दिया, एक तरफ पत्नी बैठी गोद में बच्चों को ले लिया, एक तरफ नामदेव जी बैठे दूसरे बालक को गोद में ले लिया, और हरि शरणम ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे, एक लकड़ी में आग लगा करके स्वयं ही उस चिता में जैसे ही लगाने लगे, चिता में अग्नि लग गई, लग करके जैसे ही वो लपट ब्राह्मण के कमर को छूने लगी, भगवान ही थे, ब्राह्मण थोड़े ही थे, जैसे ही ठाकुर जी को नेप ताक लगा, ठाकुर जी तो तुरंत उठ करके बैठ गए, और बैठ करके नामदेव जी को गले से लगा के बच्चों को गोद में लेकर के तुरंत चिता से बाहर कूद गए ठाकुर जी। सब देखते रह गए, और देखते ही देखते वो ब्राह्मण साक्षात पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान के रूप में प्रकट हो गए, और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा करके वहां से अंतर्ध्यान। सब बोले अरे ब्राह्मण कहाँ गया। नामदेव जी बोले ब्राह्मण ब्राह्मण कोई नहीं था, वो विट्ठल भगवान ही परीक्षा लेने आए थे मेरी एकादशी की। तो एकादशी जो है बंधुओं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप व्रत करो मत करो, पर उस दिन अन्न में पाप का निवास है, इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्रत करो। अब देखो हम वृंदावन से हैं, वृंदावन के कई संप्रदायों में एकादशी नहीं होती, जैसे हरिदासी हरिवंशी वहां पर एकादशी व्रत का महत्व नहीं है, क्योंकि वहां भाव प्राधान्य है, वहां नियम प्राधान्य नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे कारण है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम है कि वहां की रसोई में बनने वाला जो महाप्रसाद है वो कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई मानव नहीं बनाता है, स्वयं लक्ष्मी जी बनाती है, और लक्ष्मी जिसका स्पर्श कर दे उसमें पाप कभी नहीं रह सकता। इसलिए एकादशी के दिन आप महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का पा सकते हो। अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं एकादशी के दिन, तो बाहर पाओगे होटलों पे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं।
ठीक वैसे ही वृंदावन के कुछ प्रणालियों में, किस कई संप्रदायों में एकादशी का विधान नहीं है, क्योंकि वहां भाव ऐसा है कि कल दशमी थी, कल ठाकुर जी का भोग लगा, तो उस समय अन्न जब प्रसाद था तो आज एकादशी होने पर वो प्रसाद में पाप कैसे आ गया, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि वृंदावन के कई सेवा प्रणालियों में ठाकुर जी व्रत नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए तो बढ़िया सामग्री बनेगी, और ठाकुर जी ने प्रसाद ले भोग लगा दिया तो उसमें पाप कैसे रह सकता है, इसलिए उसको पा लेते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, जगन्नाथपुरी जाओ तो महाप्रसाद पा लो, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन जाओ आप राधा वल्लभ जी से, बिहारी जी से, या ऐसे स्थानों पर जहां एकादशी नहीं है वहां से यदि प्रसाद मिले तो उस प्रसाद का तिनका स्वरूप आप पालो, बाकी शेष आप बाद में पा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी मर्यादा आप कर सकते हो। पर आप विदिशा में रहते हो, भोपाल में रहते हो, सागर में रहते हो, कहीं कहीं रहते हो जहां पर ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है, वहां तो एकादशी आपको करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ऐसे एकादशी व्रत का महत्व तो बताया गया है।